विधानसभा तीन के विधायक आकाश विजयवर्गीय इन दिनों अपनी विधानसभा को लगातार विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। जहां एक बार फिर विधायक आकाश विजयवर्गीय ने विकास का शतक लगाते हुए 100 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा मौजूद रहे। देखिए ये खास खबर। एमएलए आकाश विजयवर्गीय ने दी विधानसभा तीन को सौगात। आकाश विजयवर्गीय ने किया 100 करोड़ के कामों का लोकार्पण। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के साथ किया विकास का लोकार्पण। विधायक आकाश विजयवर्गीय की ओर से विधानसभा तीन को लगातार विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है। जहां अब की बार भी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने विधानसभा तीन को 100 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देते हुए विकास का शतक लगाया। इस दौरान लोकार्पण कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। यहाँ से दुष्कर कार्य है, सभी का इस मंच के माध्यम से हम स्वागत वंदन अभी वहाँ है अतिथि का स्वागत। शहर के ही नहीं, इस प्रदेश के ही नहीं, इस बच्चों को, हमारे समाज के विद्यार्थियों को इस स्थापना के समय से ही बौद्धिक और सही रोजगार अधिकारी पंडित जी से भी मेरा सादर अनुरोध है, कृपया 1 एकड़ की भूमि में लगभग आप सभी का पूजन के लिए। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और विधायक आकाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। देखिए, मैंने अभी मंच से बोला, आप सब ने सुना कि वास्तविक अब एक नया भारत, आत्मनिर्भर भारत की नींव का पत्थर साबित होगा ये नया शिक्षण संस्थान, जहां दुनिया के सभी संभावित विषयों का ज्ञान हमारी नई आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत में बहुत बड़ा योगदान। सर, इंदौर में कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया है जो बहुत अच्छा राजस्व नगर निगम को और सरकार को देते हैं, लेकिन वो बहुत खस्ता हाल में है। पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कों की तो बहुत बुरी व्यवस्था है, पहले भी आपके सामने ये इशू उठ चुका है। अब कई इंदौर के इंडस्ट्रियल एरिया को अभी हमने बहुत फंड एलोकेट किया भी है, और जिसमें अगर उनने डेवलपमेंट चार्ज दिया हुआ होगा उसको तुरंत करेंगे, और जिसमें प्राइवेट डेवलपर ने छोड़ के चला गया है उसका भी कुछ फार्मूला बनाया जा रहा है। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 स्कूल हैं जो मॉडल 7 CM राइज में, मॉडल 3 से मॉडल 7 तक के स्कूल हैं। पूरे मध्य प्रदेश में मात्र 2 स्कूल हैं जो मॉडल 7 में हैं, उसमें हमारा मल्हार आश्रम स्कूल है। पूरे जो 35 एकड़ में लगभग ये स्कूल फैला है, ऐतिहासिक स्कूल है। बहुत ही जाने माने लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने जिन्होंने इंदौर का नाम रोशन किया है, वो यहाँ से पढ़ के गए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसकी जो इसका जो गौरवशाली इतिहास है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने 120 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें आधुनिक क्लासरूम, स्टाफ रूम, इंडोर प्ले एरिया, आउटडोर प्ले एरिया, स्विमिंग पूल्स, लैब्स और सारी चीज़ें जो एक आधुनिक लेटेस्ट स्कूल में होती है वो है। टोटल 120 करोड़ के प्रोजेक्ट में अभी जो फर्स्ट फेज़ है उसमें हम लोग 64 करोड़ का जो सिविल वर्क है बेसिकली उसका हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। सेकेंड फेज़ में स्विमिंग पूल और जो इंटीरियर होगा उसका टेंडर निकलेगा, और बची हुई जो राशि है उसमें हम लोग उसका शुभारंभ करके काम कराएंगे, और कुल 18 महीने में ये प्रोजेक्ट होगा और 4000 बच्चों की कैपेसिटी में ये विद्यालय तैयार हो रहा है और 4000 क्षेत्र के बच्चे यहाँ पर लाभ लेंगे। हमारा जो मिशन है वो ये है कि सरकारी स्कूलों में भी बहुत टॉप क्वालिटी की एजुकेशन मिले, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार मोटी फीस देके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने पे विवश है। हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल ही इतने अच्छे हम लोग कर दें कि बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकें और मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के सर से मोटी फीस का बोझ हट सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा तीन के विधायक आकाश विजयवर्गीय इन दिनों अपनी विधानसभा को लगातार विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। जहां एक बार फिर विधायक आकाश विजयवर्गीय ने विकास का शतक लगाते हुए 100 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा
मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।